सेडिमेंटरी रॉक्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, सेडिमेंटरी रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो कि सेडिमेंट्स के सेटल डाउन होने से, एक के ऊपर एक लेयर में सेटल डाउन होने से बनते हैं। ये रॉक्स दूसरे रॉक से बनते हैं, किसी भी टाइप के रॉक से बन सकते हैं, इग्नियस लेयर से भी बन सकते हैं, इग्नियस रॉक से बन सकते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक से भी बन सकते हैं। इन लेयर्स की एक खास बात होती है कि लेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेडिमेंटेशन जो होता है वो एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है, या जैसे एक साथ भी हो सकता है। तो ज़्यादातर ये लेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब सेडिमेंटम, सेडिमेंटम का मतलब सेटलिंग, लैटिन में वर्ड है सेडिमेंटम, इसका वर्ड है सेटलिंग। मैं आपको बताऊं, टॉपिक चल रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, चैप्टर 5। मेरा नाम अंगद कौशिक है और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल पे। ठीक है, लैटिन में मतलब हो गया सेडिमेंटम, सेडिमेंटम मतलब सेटलिंग, सेटलिंग ऑफ व्हाट, सेटलिंग ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंटेशन, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स ना, जो रॉक से, मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये अर्थ का सरफेस है, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा नहीं, इग्नियस रॉक हमने पढ़ लिया, अर्थ क्रस्ट से लावा निकला, वो सॉलिडिफाई हो गया, वो रॉक बन गया, उस रॉक को हमने बोला इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक कोई भी हो सकता है, वो अर्थ के सरफेस पे पड़े हुए हैं, या सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ के ऊपर है तो उसमें क्या होता है, उसमें हवा भी आएगी, लगेगी, पानी भी आएगा, धूप भी लगेगी, तो वो क्या होता है, उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, वो टूटने लगता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट पे, और टूट के ऊपर बाद वो बिखर जाता है। बिखरने के बाद वो हवा या पानी के द्वारा, थ्रू थ्रू वाटर और एयर, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और सपोज कीजिए यहाँ पे इकट्ठा होने लगा हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर क्या होता है, वो सेडिमेंट्स जो है वो यहीं पे रॉक बन जाते हैं। ठीक है, इकट्ठा होने के बाद, क्योंकि इकट्ठा हो रहा है तो अब क्या है, वो उसके ऊपर वजन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, मान लीजिए मैं हूं तो मेरे बॉडी का सबसे ज्यादा वजन कहाँ पड़ा, मेरे पैरों पर। ऐसे ही जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा तो नीचे वाला जो पोर्शन है उस पर वेट बढ़ता जाएगा, इसी तरीके से वो थोड़े टाइम बाद वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लेयर्स मिलती हैं इसके अंदर। लेयर्स क्यों मिलती हैं, ये जो सेडिमेंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि एक साथ सारे आ गए, कुछ टाइम तक हुआ इरोजन, उसके बाद फिर रुक गया, फिर डिनुडेशन, डिनुडेशन कुछ टाइम, डिनुडेशन मतलब रॉक्स का डिग्रेडेशन होना, सिंपल बता रहा हूँ, बाकी बाद में तो डिनुडेशन के ऊपर तो पूरे का पूरा चैप्टर बनता है। ठीक है, ऑप्शन में पढ़ते हैं, जीएस में भी काफी चीजें पढ़ेंगे, ये सब डिनुडेशन ही चल रहा है। अरावलीज कभी हिमालय जितने ऊंचे हो रहे होंगे, लेकिन वो डिन्यूड होकर के, उनका मतलब डिग्रेडेशन होकर के आज वो इतने छोटे छोटे हो गए हैं, उनकी एवरेज हाइट 1000 से भी कम है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता रहता है, जैसे थोड़ा सा अब हो गया, सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए, फिर कुछ टाइम के लिए रुक गया, फिर दोबारा होने लगा डिग्रेडेशन उनका, फिर थोड़े एक और लेयर बन गई, फिर थोड़ा टाइम बाद, तो इसीलिए ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो लेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। रॉक्स इग्नियस सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक, कोई भी रॉक हो सकता है, इग्नियस भी हो सकता है, सेडिमेंट्री भी हो सकता है, मेटामॉर्फिक भी होता है, ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डिन्यूडेशनल एजेंट, जो डिन्यूडेशन करेंगे, जो एजेंट्स डिग्रेडेशन करेंगे उनके लिए एक्सपोज हैं अर्थ के ऊपर जो रॉक्स प्रेजेंट है, ये बात तुम्हें पता है, एंड आर ब्रोकन इंटू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स, और इसलिए जब डिन्यूडेशन होता है तो डिग्रेडेशन होता है तो वो अलग अलग छोटे अलग अलग साइजेस के फ्रेगमेंट्स में टूट टूट जाते हैं, ये तो पता ही होगा हमें। ठीक है ना, इनफैक्ट आप एक घर को बना छोड़ दीजिए, 15-20 साल बाद आइए, वो वैसा नहीं रहेगा, वो टूट फूट जाएगा, हवा पानी लग लग के, धूप लग के, है ना, होता है ना ऐसा, ऐसे ही रॉक्स के साथ भी होता है, रॉक्स के साथ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, चलिए, सच फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजीनियस एजेंसीज एंड डिपॉजिटेड। अब वो जो फ्रेगमेंट्स हो गए, जो कि डिनोडेशन की वजह से जो रॉक्स के फ्रेगमेंट्स हो गए छोटे छोटे, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसके किस कौन करता है उनको ट्रांसपोर्ट, कौन करता है, एक्सोजीनियस एजेंट्स। अभी एक्सोजीनियस एजेंट्स कौन है, एक दो एजेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। जो अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करेंगे उनको एक्सोजीनियस कहते हैं, जो अर्थ के सरफेस के नीचे काम करते हैं उनको हम एंडोजीनियस कहते हैं। एक्सोजीनियस का एग्जाम्पल विंड, एयर, सबसे अच्छा सनलाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सोजीनियस एजेंट्स कौन कौन से हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, पानी करेगा और हवा करेगी, है ना, यही दो है ना मेनली, और दूसरी जगह डिपोजिट हो जाते हैं, फिर वो समझ आ गए यहाँ तक। चलिए, और टर्न इंटू रॉक्स, उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस के थ्रू फिर थोड़े टाइम बाद जब जहां इकट्ठा होते रहते हैं वो वहीं पे रॉक बन जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो सेडिमेंट आया है उसमें उसका कंपोजिशन तो वही रहेगा ना जो पहले था,
वो टुकड़ों में आ गया, वो बात मानते हैं, लेकिन कंपोजिशन तो उसका वही रहेगा जो पहले उस रॉक का था, है ना, वही होता है। पढ़ते हैं आगे, उस सेडिमेंट का रॉक में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड लिथिफिकेशन, द प्रोसेस बाय विच सेडिमेंट्स आर कन्वर्टेड, सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिपॉजिटेड एंड टर्न इन टू रॉक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं, याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर इट इन मैनी सेडिमेंटरी रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स रिमेन देयर कैरेक्टरिस्टिक इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। कुछ काफी कैरेक्टर सेडिमेंटरी रॉक्स में जो रॉक्स हैं, जो लेयर ऑफ डिपॉजिट्स हैं, वो वही कैरेक्टरिस्टिक रिटेन करती हैं जो पहली बार रॉक की थी। मतलब अगर इसमें मिनरल एक्स पाया जाता है तो यहां भी एक्स ही मिलेगा, अगर वाई भी है तो वाई भी मिल जाएगा ज्यादातर केसेस में, अगर बीच में कहीं रह गया उड़ गया हो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, वो मिनरल्स आ जाते हैं, थोड़ी बहुत जो उनकी क्वांटिटी या परसेंटेज है थोड़ी बहुत वेराई कर जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है बीच में भी रुक जाता है कहीं पे, लेकिन वो सब पता चल जाता है कि कहां कहां रॉक्स बने हैं, कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए, हेंस वी सी ए नंबर ऑफ लेयर्स, इसीलिए लेयर्स भी पाई जाती हैं ऑफ वेराइंग थिकनेस, अलग अलग थिकनेस की लेयर्स पाई जाती हैं इन सेडिमेंटरी रॉक्स में, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, एक है सैंडस्टोन है हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एक है शेल, एग्जाम्पल और भी आएंगे भी आगे। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल है। अब सेडिमेंटरी रॉक्स कितने के बनने का तरीका, कितने टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो में। चलिए, सेडिमेंटरी रॉक्स आप लोगों को समझ आ गया मुझे लगता है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, अर्थ का सरफेस है, वहां पर कोई एक रॉक है, अब ये रॉक कोई भी हो सकता है, ये इग्नियस भी हो सकता है, सेडिमेंटरी भी हो सकता है और मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकता है, तीन ही टाइप के तो रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फस। देखिए तीनों रॉक्स एक दूसरे रिलेटेड है, तीनों रॉक्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, रॉक साइकिल चलती रहती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक तो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, उसके बाद जो लास्ट इस चैप्टर का वो रॉक साइकिल ही है, उसमें फिर दोबारा बताया जाएगा। तो ये रॉक कोई भी हो सकता है, इग्नियस भी हो सकता है, सेडिमेंटरी भी हो सकता है, मेटामॉर्फिक भी हो सकता है। अब ये इसका डिनुडेशन होता है, इसका डिग्रेडेशन होता है, डिनुडेशन होगा तो अपनी जगह पे ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, टूट गया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, अब क्या होगा, एक्सोजीनस एजेंट्स जो हैं पानी हवा, वो इसको बहा करके ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देंगे, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही डिपॉजिट नहीं हो जाएगा, ये लेयर्स में डिपॉजिट होगा, क्योंकि टूटना ऊपर से शुरू करेगा, यहां से टूटेगा तो पहले ये लेयर यहाँ पे जाकर के इकट्ठी हो जाएगी, फिर अगर ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम पे डिल्यूशन पे शुरू हो जाए, फिर टाइम थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हो जाए, तो फिर नीचे वाली लेयर जो वो यहाँ पे आके इसके ऊपर हो जाएगी, फिर ये वाली लेयर थोड़े टाइम बाद, फिर ये वाला पार्ट, तो ये यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म ले लेगा। अब ये इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी है कि लेयर्स में मिलता है, समझ आ गया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी जो ये कंपोजिशन थी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे कि मिनरल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, ये और क्रिस्टल उसका साइज क्या है, ये सब चीजें, ये यहाँ पे भी वही सेम होगा। इसीलिए अगर हमें कहीं सेडिमेंटरी रॉक मिलता है तो हम पता बता सकते हैं कि ये सेडिमेंटरी रॉक किस रॉक से बना है, हमें पता होता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, अब बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन, बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, किस तरीके से सेडिमेंटरी रॉक बना है। अब आप कहोगे सर बनने में क्या, ऐसे ही ये सेडिमेंटेशन डिग्रेडेशन हुआ, इसका डिग्रेडेशन हुआ है, आगे जाके डिपोजिशन हो गया, सेडिमेंट रॉक बन गया। नहीं, ये बनने के भी तीन मेथड होते हैं, और इन तीन मेथड्स में डिपेंड करता है कि रॉक कैसा होगा। पहला हमारा मैकेनिकली फॉर्म, मैकेनिकली मतलब जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि जिसका बाहर जो है एक्सोजीनस एजेंसीज की वजह से उसका डिग्रेडेशन हुआ और फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया और कहीं और डिपोजिशन हो गया, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकली फॉर्म रॉक। इनके एग्जांपल क्या क्या है, सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट है, लाइमस्टोन है, शेल है, लोयस है। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि किस रॉक के कौन से एग्जांपल है। ठीक है, मैकेनिकली फॉर्म वाले के कौन कौन से एग्जांपल है, ये एग्जांपल दिए हुए एनसीईआरटी में, ये आपको याद रखने हैं। सेकेंड हमारा आ गया ऑर्गेनिकली फॉर्म, ऑर्गेनिकली फॉर्म मतलब बायो, लाइफ से रिलेटेड है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, तो ऑब्वियसली बात है अगर मान लीजिए रॉक्स की जगह, रॉक्स तो है ही, पेड़ भी है यहां पर, वो भी कट के गिर गए, फॉसिल्स
अब इनका डिनुडेशन हुआ, ठीक है, कहीं और इस ट्रांसपोर्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन यहीं पे ये सेडिमेंट्स बन गए छोटे छोटे, और फिर इनके बाद फिर दूसरी लेयर आगे पेड़ों की, फिर दूसरे कट करके गिर गए। इनका अगर लेयर्स में जब डिपोजिशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। मतलब कोई लिविंग, लिविंग मतलब क्या कहने, मतलब जिसमें कार्बन रिलेटेड, कार्बन होता है, लाइफ रिलेटेड क्या है, कार्बन होता है, मतलब हम ह्यूमंस, हमारा भी हो सकता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन कैसे, हम मान लीजिए फॉसिल्स क्या होता है, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोल कैसे बनता है, फॉसिल्स से बनता है। फॉसिल्स क्या होते हैं, चलिए फॉसिल्स क्या होते हैं ये आप मुझे मैसेज कीजिए, फॉसिल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा फॉसिल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स बेसिकली, फॉसिल्स और पेड़ वगैरह जो होते हैं, इनके दब जाने की वजह से लेयर के ऊपर लेयर फॉर्म होती रहती है। उस लेयर को फॉर्म करने के बाद जो जो रॉक्स बनते हैं वो थोड़े टाइम बाद रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो बीच मिट्टी मिलती रहती है, अलग जगह से मटेरियल भी आता रहता है सब जगह से, ठीक है, सेडिमेंटेशन होता है, तो वो रॉक में कन्वर्ट हो गया अगर, तो उसको हम ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक बोलते हैं, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा केमिकली फॉर्म, इसमें क्या होता है, जो डिन्यूडेशन प्रोसेस है वो केमिकल्स से होता है, मतलब केमिकल्स मतलब जो एक जो मान लीजिए डिन्यूड हो गया यहां पर, अब ये केमिकल्स की वजह से डिन्यूड हुआ, और केमिकल में कोई भी रॉक है, सपोज कीजिए रॉक है हमारा, इसको डिन्यूड करने में और ट्रांसपोर्ट करने में केमिकल्स का बहुत योगदान होता है, केमिकल्स ने इसको डिन्यूड करा और फिर केमिकल्स ने ट्रांसपोर्ट करके इसको यहां पर ले गया, यहां पर डिपॉजिट कर दिया, और वो केमिकल फिर इसमें हो भी सकता है प्रेजेंट, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, पानी, पानी भी इसी कैटेगरी में आता है। मान लीजिए पानी ने इसको डिन्यूड किया और ये मिट्टी पानी में मिलकर, रॉक का जो कंटेंट है वो पानी में मिलकर के यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे स्लोप कम था, यहाँ पे गहराई ज्यादा थी, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, पानी तो एवोपरेट हो जाएगा, पानी तो होगा एवोपरेट, तो सिर्फ सेडिमेंट्स बच जाएंगे, है ना। ऐसे केमिकल्स में भी होता है, मेजरली पानी के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका लाइमस्टोन, तो आपको पता ही है कैसे बनता है, नहीं पता तो आगे इसके ऊपर क्लास जब होगी कास्ट टोपोग्राफी पर आएंगे तो उसमें तो डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। जैसे लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन भी ऐसी बनता है, पानी में मिलकर के ही जो कंटेंट है वो आ जाता है और फिर पानी एवेपरेट हो जाता है, लाइमस्टोन बन जाता है। चर्ट भी इसी तरीके से बनता है, हैलाइट भी बनता है, पोटैश भी बनता है। ये एग्जाम्पल्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स याद रखने, ठीक है, क्योंकि अगले जो मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ेंगे उसमें एग्जाम्पल्स थोड़े से काम आएंगे, ठीक है, और नहीं तो जीएस में तो बहुत रोल है एग्जाम्पल्स का। तो एग्जाम्पल्स याद रखने, आपको कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करना है, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।